ठीक है ना जी। लेकिन क्योंकि आपके साथ तफसीलन बात होगी तो हम आपको इस पर अपना जो जो टेक्निकल और मुफस्सिल जवाब है और एतराज है उससे जरूर आगाह करेंगे। बारी 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 और बिलावल साहब ने फरमाया था कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। आज सीएससी की मीटिंग में ज्यादा किसकी तरफ रुझान था, आसिफ जरदारी साहब के मौके की तायद की गई या बिलावल साहब के मौके की तायद हुई आज सीएससी की कमेटी में? देखिए यहाँ पर इस तरह का कोई खेल नहीं खेला जाता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कारकुन को भी अपनी राय देने का हक है और जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशंस पे फाइज हैं लोग, हर शख्स को अपनी राय देने का हक है। लेकिन खूबसूरती यह है कि जो फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होता है वही फैसला जो है वो हतमी होता है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जो पेशन गोइयाँ थी कि जरदारी साहब सीसी में है या बिलावल साहब कौन है, तो दोनों हजरात सीसी में मौजूद हैं और पिछले सीसी की तरह इस सीसी की भी सदारत दोनों हमारे बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सदर मुमलिकत दरमियान की गेम खेल रहे हैं जबकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए उसमें पीपल्स पार्टी का भी किरदार है इख्तियारात देने में। दूसरी जानब अगर सदर साहब डेट नहीं दे रहे थे, आप कह रहे थे कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सदर साहब को भी डेट के अनाउंसमेंट होने चाहिए, तो कहीं आप लोग भी दरमियान में एक तरफ 90 रोज का मुतालबा, एक तरफ इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए? 25 अगस्त की मीटिंग में आप लोगों से, आपके तमाम जो दीगर साथी हैं कराची में, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने बाकायदा इस बात को शेयर किया कि जी हमारी सीसी के अंदर जो कानूनी राय आई है और जो हमारे अरकीन ने बात की है उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इलेक्शन कमीशन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। तो ये हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था और आज अगर कोई इसमें कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करे भी तो हमें उसको ये जवाब ज़रूर देना मेरा फ़र्ज़ है कि जी डेट कौन अनाउंस करता है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का की बहस नहीं है। हमारी बहस इस वक्त है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, ये गैर यकीनी की सूरत हाल इससे मुल्क निकल सके, हमारे लिए एक वे फॉरवर्ड नज़र आए, मईशत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिक्योरिटी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और लोगों की राय भी हमारे लिए सरदारी साहब कहते हैं कि मिशन जरूरी है, बिलावल साहब कहते हैं मैं कहते हैं हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए, इस इलेक्शन एक्ट के ऊपर आपने वोट दिया, फिर आपके सरदारी साहब कहते हैं सदर को इख्तियार है, इस हवाले से वही डबल गेम आप कर रहे हैं, अवामी सतह पे कोई और है और अंदर खाते मुस्लिम लीग नून का भी ये इल्ज़ाम है, आपको पता था इलेक्शन 90 रोज से आगे जाएंगे और आपने उसको वोट भी किया था? देखिए मैं इस बहस में नहीं जाती हूँ, मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पर उनके साथ डील करना है। लेकिन जहाँ तक सवाल पैदा होता है वो बात सेंसस की पूरी कहानी सीसीआई की शुरू करेंगे, लेकिन ये बात वाजे है कि अगर उस सेंसस सीसीआई की मीटिंग के अंदर अगर सेंसस को लेकर कोई बड़ा फैसला आता जिससे कि इलेक्शन अफेक्ट होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती। एक सेकेंड और थोड़ी बहुत मैंने आईन की किताब पढ़ी और जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती तो आर्टिकल 51 में तब्दीली आती और अगर आर्टिकल 51 में तब्दीली आती तो आईनी बहरान आता और अगर आईनी बहरान आता तो आप सबको पता चल जाता। लेकिन चूंकि कोई आईनी बहरान नहीं आया और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दानिश में ये मुद्दा अहम है कि डीलिमिटेशन करानी है तो हमारी हम उसमें ये एतराज़ अपनी उनके साथ ज़िद नहीं लगा रहे, हम कोई ज़िद नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन बल्कि कल ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो अभी सरसरी बातें हैं कि अगर डीलिमिटेशन भी ज़रूरी है जो कि हम समझते हैं कि आईनी प्रोविजंस क्लियर है, लेकिन अगर आप फिर भी बतौर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी जो कि इलेक्शन कराने की है, शफाफ इलेक्शन कराने की है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की है, उस एक्सरसाइज को मुकम्मल करते हैं डीलिमिटेशन करा के और समझते हैं कि ऐसे ही होगा तो आप बेशक करें। और हमारे फैसल करीम कुंडी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिले, ये हमारी ही उस डायलॉग और उस उनके साथ एक गुफ्तगू शुनीद और इंगेजमेंट का नतीजा था कि
के डिलिमिटेशन की वो जो एक लंबी डेट्स दी गई थी उसके पीरियड को 2 हफ्ता कम किया गया। तो हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश ये की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराए। वायलेशन में हम जितना जाएंगे आइन के ये गलत प्रेसिडेंट सेट होता जाए। बिल्कुल जी, लतीफ कोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसपे उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज साहब को भी दावत की, लतीफ कोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला दिया, चौकास नोटिस उसे जवाब कल भी तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं दोनों हमारे मुखला साहबान इस्लामाबाद में, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे अपडेट भी किया हमें, उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो जब वो लतीफ कोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शो का नोटिस का उसके बाद ही कोई चीज़। लेकिन आज दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत थी। अच्छा मैडम ये बता दें कि मैडम ये बता दें कि जो है वो पंजाब की आपकी जो है वो अहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने की पड़ी थी। आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती हैं, क्या ऐसे फैसले ऐसी बातें हुई हैं? देखिए जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े टिकट होल्डर इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज़ में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है वो हम आएंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज़ ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में जिसके अंदर अपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त PTI भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो 1 रोज़ होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त PTI की जानिब से मैं ना मानूं की सियासत शुरू हो गई और उनका जो ज़िद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार नफ़रत और तकसीम फैलाई है उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ, अच्छा अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राज़ी कर लें जिसमें नून लीग मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सब ने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएँ। आज की भी हुकूमत शायद यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूँ कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का जिम्मा था तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर खजाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं तो ये किसके पास था? तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूँ कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है और हम सबको डालना है। मैडम बात ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ये इल्ज़ाम है कि नगरान हुकूमत के जरिए नून लीग को सहूलतकारी की जा रही है, नगरान हुकूमत के जरिए पंजाब के रहनुमाओं का आए रोज यही इल्ज़ाम है कि नगरान हुकूमत पाक में और जो पंजाब में वो सहूलतकारी कर रहे हैं नून लीग। फैसल साहब जवाब सबको ऐड किया गया निगरान कैबिनेट में।
देखें, आपने जो बात की है कि हमारी हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफ़ोज़ात की हैं, देखें उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखें इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है, और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है, और सिंध में जो है फ्लड्स पे भी फ्लड्स के जो मकान बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए, वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है। हमारे हम जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। हमारे पार्टी के दोस्तों को तहफ़ुज़ात हैं इस पर, वो अभी भी उन्होंने हमें कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग दी है, कुछ पे देनी है। जैसी ब्रीफिंग सारी मुकम्मल होती है, कल आपको इस पे इंशाल्लाह ताला हम डिटेल जो है उसको वादा किया था कि मैं खवातीन से ले लें, खवातीन से ले लें इस मुतालबे को, के इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद होना चाहिए। आप करो बेटर, करो आप सवाल करो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, पूछे आप सवाल। शादिया मेरी साहिबा ये बता दे, आप ही जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की साख बहुत ज्यादा कमजोर है, और ये पीपल्स पार्टी के पास क्या ये आखिरी चांस है दोबारा से रिवाइव करने का, और किस बुनियाद पर आप ये समझती है कि पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी का साथ? देखिए देखिए मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं है, फलसफा कमजोर नहीं होता, आइडियोलॉजी कमजोर नहीं होती। हाँ ये जरूर है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, हाँ ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के फलसफे पर चलने वालों को ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और अगर हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी, और हमें जो पंजाब के साथी बता रहे हैं यहाँ हो रहा है, या जो हमें केपी के साथी बता रहे हैं कि वहाँ हो रहा है, और फिर सिंध की भी आपको अभी कुंडी साहब ने बात की, तो ये जब तमाम जो ज़्यादतियाँ पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं और नज़र आ रही है, ये ख़त्म होंगी तो फिर अपने फलसफे पर बात होगी ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात होगी। मैं एक कुंडी साहब की बात को बढ़ाते, भाई आपने किया सवाल, एक सेकेंड, मैं सिंध के हवाले से, क्योंकि मैं अभी अपने हलके में थी, आप यकीन करें कि वहाँ पर बच्चियों का स्कूल बन रहा था जिसका काम रोक दिया गया। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल बनाया कि जी जो तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सैलाब ने मुतासिर किया लोगों को, फिर साउथ पंजाब, केपी का कुछ एरिया, गिलगित का कुछ एरिया, लेकिन आप लोग गवाह हैं कि आपने खुद देखा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन सिंध की अफेक्ट हुई है। पूरे पाकिस्तान में 3,30,00,000 लोग डिसप्लेस हुए, पूरे दुनिया ने हमारे साथ आगे आकर इजहार यकजहती किया। अकवाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं किस किस को इस तरफ उसकी उनकी अटेंशन उन्होंने रागिब की, बावजूद इसके कि दुनिया के और भी मसले चल रहे थे, लेकिन हमारा मसला हमारे लिए सबसे बड़ा था। और आज अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही सूबे में बैठे लोग, अपने ही सूबे के लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है। ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उन्होंने अभी हमें कह दिया है कि जी 15 अगस्त तक हुआ होगा तो आप करा लें। मतलब ये हंसी की बात है ना कि ये पिछली गवर्नमेंट की मंजूर करता है, केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है? ये तो आप लोग भी माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं कि ये रिवर्स कैसे हो सकती है बातें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है इन चीज़ों पर, और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बड़े एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सकते ट्रांसफर पोस्टिंग, कानूनी तौर पे वो नहीं करा सकते, शायद कोई कानून उनके पास हो जो वो जिसको देख के काम कर रहे हो, लेकिन जो कवानीन हमने पढ़े हैं उसमें तो हमारे अरकान ने इस बात का तस्करा किया है, और बड़ा जोर शोर से किया है कि जी ये कैसे हो रहा है। तो देखिए इस मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए, इसे चलने दें। पीपल्स पार्टी कभी एतराज़ नहीं करती, अगर कानून वायलेट होता है तो करते हैं, आइन वायलेट होता है तो करते हैं, अदरवाइज हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी किसने इस मुल्क के अंदर, सबसे ज्यादा लाशें भी पीपल्स पार्टी ने उठाई है पंजाब के मामले में। मैं पंजाब के मामले में, आपने खास तौर पे एक सवाल किया था कि पंजाब में आपके आपका रिवाइवल कैसे होगा, पंजाब ने तारीख में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
अपोजिशन देखी, अपोजिशन बर्दाश्त की, अपोजिशन के सामने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जला कारकुन बिल्कुल डट के खड़ा रहा। लेकिन ये जो अपोजिशन जो इस वक्त की हमें सहनी पड़ रही है, आप 100% आपकी जो फीलिंग है वो बजा है, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है। इतनी मुश्किलात नून लीग के होते हुए नहीं थी, इतनी मुश्किलात हमारी PTI के होते हुए भी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैम शादिया ने जिस तरह से कहा है कि जी नज़रिया उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकता, ना ये ख़त्म हुआ ना इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगा। आप देखिएगा कि जिस दिन ये लीडरशिप पंजाब में भले पेशावर से लेके इस तरफ को एंटर करे या साउथ से लेके लाहौर की तरफ एंटर करे आपका फिर पीपल्स पार्टी, आपने लॉन्ग मार्च में नहीं देखा था कि पंजाब की आवाम का क्या रद्द अमल था अपने चेयरमैन को देख के, क्या बिहेवियर था, क्या जोश और जज्बा था? तो वही जज्बा आज भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डट के इलेक्शन, अगर हम मजबूत ना होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मुतालबा ना कर रही होती कि जल्दी इलेक्शन कराए जाए। बस मेरा ख्याल पीछे हो जाए यार, पीछे एक्चुअली है ना, इन्होंने नहीं पूछा, कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने नहीं पूछा, शायद भी कोई इस बात हां ठीक है। अच्छा, क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं या इलेक्शन को मुकम्मल इल्तवा में डालना चाहते हैं, क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स एक्टिव हैं और क्या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस उनके साथ हैं? अगर कुछ ऐसे रिजर्वेशंस हैं तो क्या वो मीटिंग में डिस्कस हुई है? जी डिस्कस हुए और कल हम उस पर तफसील बताएंगे। ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और भी हो रही है, हम कल से लास्ट करेक्शन है, लास्ट में कल तफसील देंगे। नगरान हुकूमत की जो गैर जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल पूछ ले बात, क्योंकि इनके कबीना में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता अरकान की जाती मुलाजमों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिस तरह फवाद असम फवाद की नई इंडक्शन हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इन सब चीज़ों पे तफसील से जो है हमारी बातचीत शुरू है, आज भी हुई है, कल भी होगी और कल जो हमारी तफसीली ब्रीफिंग होगी उसमें इसका जिक्र करेंगे। आपने सवाल किया पार्टी के हवाले से, अभी तक हमें ऑफिशियली कोई भी ऐसी दावत नहीं आई, जब ऑफिशियली दावत आएगी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मशवरी कंसल्टेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, हम इत्तेहाद की पॉलिटिक्स करते हैं, जब भी कोई दावत आएगी हमारी पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और उसके बाद भी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।